गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज आज मैं जा रहा हूँ बागेश्वर धाम सरकार, जो कि उनकी भागवत कथा चल रही है ग्रेटर नोएडा में। तो आज हम वहाँ का ब्लॉग बनाने जा रहे हैं क्योंकि गाइज वहाँ पर बहुत क्राउड है मैंने सुना है। तो गाइज चलते हैं और अपनी जर्नी में स्टार्ट करते हैं नांगलोई मेट्रो स्टेशन से। तो चलते हैं गाइज। गाइज अगर मैं बात करूँ, हम लोग 67 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल करने वाले हैं मेट्रो से और काफ़ी दूर भी है। तो चलते हैं गाइज और देखते हैं क्या होने वाला है वहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार में भागवत कथा में। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं गाइज। चली चली लहरों से भरी तोरे नाम का ताज बना देंगे, मीठी मीठी मिस्र की डली तेरी रातों का चांद जगा देंगे। चली चली लहरों से भरी तोरे नाम का ताज बना देंगे, मीठी मीठी मिस्र की डली तेरी रातों का चांद जगा देंगे। बली चली जाए मेरी प्यास तेरे लिए, रुकी जाए मेरी सांस तेरे लिए, मैं रंग दूं सारे ख्वाब तुम्हारे। डिपो स्टेशन पर और अब हम यहाँ से चलेंगे बागेश्वर धाम का जो भागवत कथा हो रही है उस साइड चलेंगे। तो चलते हैं, अभी थोड़ा सा डिस्टेंस है तो चलते हैं। शमान बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई, मैं तो बन गई दुल्हन आज सजी। हाँ भाई, दर्शन करने जा रहे हो? ज्यादा है पर बाबा से मिल जाए तो बढ़िया है। बहुत क्राउड है, मैं वहीं से ही आ रहा हूँ। तो आप लोग कहाँ से आए हो? मतलब वैसे तो हम बनारस। रियली बनारस से आए हो? मैं भी बनारस से बिलोंग करता हूँ बट रहता दिल्ली में हूँ। बट मैं ब्लॉग ये सारनाथ सुना है? सारनाथ वहीं पे वहीं का बहुत बड़े भक्त हैं, बाबा को देखने आए। एक्चुअली मैं यूट्यूब के लिए ब्लॉग बना रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ आप लोगों से कुछ राय सलाह लेनी चाहिए। तो बिल्कुल स्मार्ट लग रहा है यार। कुछ कहना चाहोगे आप बाबा के बारे में? हाँ, मैंने सुना है कि बाबा की मतलब काफ़ी अच्छी प्रशंसा है और बाबा जो बोलते हैं सच बोलते हैं, तो वो सच है, झूठ नहीं है। तभी तो आप लोग आए और मैं भी आया यहाँ पर। अरे बहुत क्राउड है, बहुत क्राउड, मैं भी अंदर था, बहुत क्राउड है। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक लग चल रहा है और अब चलते आगे। मेरे तन मन में शमान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मैं तो बन गई। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं, बस थोड़ा सा दूर है, जस्ट मेरे आगे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। मैं अभी भी दिखाने वाला हूँ उस क्राउड को गाइज। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने को, बाबा के दर्शन करने के लिए, जो पंडित जी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो अभी मैं अभी आपको दर्शन कराऊँगा, देखें या फिर लाइव या फिर LED पे या शो हो जाए। तो चलते हो, क्राउड दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत क्राउड है गाइस, बहुत ज्यादा। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो मुझको जय श्री राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। भाई मुझे भी यार एक पानी दे देना यार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तुम सुन देवी जी गगन में बुलाइएगा, जितने भी लोग आज इस थिएटर नोएडा की पवित्र सी धरती पर श्री बागेश्वर भवानी महाराज के अनंत सेवक, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बहुत आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर एकत्रित है लाखों करोड़ों लोग। कितने लोगों को यह बात पता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है? जरा वो दोनों हाथ उठा कर पता है, आगे से पीछे तक जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, जिन्हें जिन्हें यह बात पता है कि अयोध्या धाम में भगवान श्री
धाम सरकार की। गाइस फाइनली मेरे शूज़ भी मिल चुके हैं, ये रहे मेरे शूज़, क्योंकि यहाँ देखेंगे लाइन लगी पड़ी है और बाहर भी दिखाऊंगा मैं। Thank you.
तो गाइज फाइनली हम लोग आए थे वीरेंद्र शास्त्री जी के दर्शन करने के लिए, बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए। तो दर्शन तो दूर से हुए और मैंने जो मैक्सिमम वीडियोस वगैरह जो लिए वो LED स्क्रीन के हेल्प से लिए। तो बहुत गर्मी थी गाइज, बहुत ही क्राउड था। तो गाइज फिर चलते हैं घर की ओर, मैं बहुत थक भी चुका हूँ और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी है यहाँ पे मैंने देखा। और बहुत क्राउड था, बहुत ही गर्मी थी, मतलब मैं तो देख पहली बार ऐसा क्राउड देखा, पहली बार ऐसे क्राउड में आया था, पहली बार आया था बागेश्वर धाम में। गाइज मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप लोग घर से ही देखा करिए, ठीक है गाइज। बहुत क्राउड था गाइज, बहुत ज़्यादा। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।